आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी ब्रेड की रेसिपी जिसे बनाने के लिए आपको आपके हाथ का वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। चलिए बनाते हैं गार्लिक फोकाशिया ब्रेड। सबसे पहले एक बोल में लुकवॉर्म वाटर लीजिए, मतलब कि पानी इतना गर्म हो कि आप अपनी उंगली 5 सेकेंड के लिए उसमें रख सके। उसके अंदर डालिए आधा चम्मच चीनी। चीनी को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दीजिएगा। उसके अंदर डालिए 3 ग्राम या 1 टीस्पून ईस्ट। मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज किया है क्योंकि हम यहाँ पे गार्लिक फुकाशिया बना रहे हैं। उसके लिए हमें जरूरत होगी गार्लिक ऑयल की। ये एक बाउल में लीजिए 8 से 10 लहसुन की कलियां। उसके अंदर डालिए आधा कप ऑयल, आपकी पसंद का कोई भी फ्रेश हर्ब, और इसे पकाइए जब तक गार्लिक ब्राउन ना हो जाए और सिजल ना करने लगे, कुछ इस तरह। अब एक बड़े से मिक्सिंग बोल में लीजिए 300 ग्राम या 1 कप मैदा। उसके अंदर डालिए 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, हमने जो ईस्ट एक्टिवेट किया था वो, और जरूरत के हिसाब से पानी डाल के एक ऐसा आटा तैयार कर लीजिए जो कि थोड़ा सा चिपचिपा हो। हमें इस आटे को गूंदना नहीं है, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं कोई सूखा आटा ना छूट जाए। उसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल अपने हाथों से रब कर दीजिए और 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे प्रूफ होने के लिए रख दीजिए। 1 घंटे के बाद आटे का साइज डबल हो चुका होगा। अपनी उंगलियों पे थोड़ा सा तेल लगा के आटे को चारों बाजू से फिर से फोल्ड करके एक बॉल बना दीजिए। फिर से उसे आधे घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए रख दीजिए। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो आटा है वो साइज में तो बढ़ ही चुका है, साथ ही जेली की जैसे जिगल हो रहा है। वापस हम उंगलियों पे तेल लगा के आटे का एक बॉल बना लेंगे चारों तरफ से खींच के। फिर हमारा बेकिंग पैन लेंगे, उसे ऑलिव ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। उसके बाद आटे को उसमें ट्रांसफर करके अपने हाथों से चारों तरफ से उसे खींच के वापस एक बॉल बना देंगे। फिर से उसे आधे घंटे के लिए हम प्रूफ होने रखेंगे। बेकिंग पैन में प्रूफ होने के बाद आटे की साइज बेकिंग पैन जितनी हो जाएगी। तब हमें उस पे जो गार्लिक ऑयल हमने बनाया था उसकी 4 से 5 चम्मच डालनी है और अपनी उंगलियों से इस तरह से डिजाइन बना देनी है। अब इस पे आप अपने पसंद की कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलिव्स, फ्राइड गार्लिक और चेरी टमेटोज की टॉपिंग की है। अगर आप मेरी तरह गार्लिक फोकाशिया ना बनाना चाहे तो आप गार्लिक ऑयल की जगह नॉर्मल ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 230 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए, या तो जब तक इसका क्रस्ट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बेकिंग के बाद ये ब्रेड ऊपर से क्रिस्पी होगी और अंदर से सॉफ्ट। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। तब तक अच्छे अच्छे खाने की खेवना करते रहिए। मैं खेवना आपसे मिलती हूँ कुछ अलग नई रेसिपीज के साथ। टाटा बाय बाय।